गाइज वेलकम बैक टू निक्स्ट्री ब्लॉग्स। और सुबह सुबह मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। मोटू का मेरे पास फोन आ चुका है कि मैं भी तैयार हो गया, मेरे को लेने आ जाओ। अब हम जल्दी से जाएंगे, मोटू के लिए दही खरीद के लाएंगे क्योंकि मोटू को दही खानी होती है, आपको पता ही है मोटू को प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद हम घर पे आके पूजा करेंगे जल्दी से, और पूजा करने के बाद फिर हम जल्दी से अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब वॉइस ओवर करेंगे दो वीडियोस का जो हमें निक्स किचन पे डालनी है। तो अब से रेगुलर वीडियोस हम डालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमें मुंबई जाना था जैसा कि आपको पता है, इस वजह से हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब ट्राई करेंगे जितना हो सके रेगुलर बने रहे हम। तो चलो चलते हैं वरना मैं लेट हो जाऊंगा। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू निक्स्ट्री व्लॉग्स। तो सुबह काकू मेरे को लेके आ गया था, हमने दही ले ली और काकू अभी आया सुबह है। काकू ने व्लॉग भी शूट कर लिया था। व्लॉग शूट कर लिया आपने घर पे? पता नहीं था मेरे को, सॉरी। तो काकू अभी आया था यहाँ पे पियर्स का सोप लेने के लिए, क्योंकि उसको कुछ खाने पीने की चीज बनानी हो सोप से। वो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे और भी एक दो सामान देख लेते हैं हम, पॉन्ड्स का फेस वॉश वगैरह क्या क्या लेना है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं गिरेगा, मैंने सेट किया इतने अच्छे से, मैं कौन गिरा दोगे? गाइस मैंने लिया है ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लोरियल का ये शैम्पू और ये हेयर मास्क, क्योंकि जब भी सैलों में जाते ना, मैं बाल कटवाने वाले अंकल से पूछती कि क्या करूँ भैया बालों के लिए, कहता लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था हेयर मास्क लगाने के लिए, आपने यूज़ किया स्टार्ट किया और मैं कर नहीं यार, और उनको याद रहता है क्योंकि मैं सेम ही बंदे पे जाती हूँ। तो आज फाइनली मैंने ये लिया है, देखते क्या वर्क करेगा क्या नहीं। और काकू ने लिया है पॉन्ड्स का फेस वॉश, डेटोल का सोप, पियर्स का एक सोप, वो एक रेसिपी बनाने के लिए जो हम आपको दिखाएंगे। और ये उस तरह का भी शैम्पू आता है, सोप आता है? मेरे को तो लगा सिर्फ वैक्स आती है। इसके अलावा लेना कुछ? ओके। आज हमें पता चला कि उस तरह की वैक्स के साथ इसके सोप भी आते, तो काकू ने इसके तीनों ही, इसके सोप के भी फ्लेवर बोलते हैं क्या, इसके तीनों ही फ्लेवर ले लिए। चले आप पक्का? तो दिन के 12 बजने वाले हैं और हम सुपरमार्केट से सामान लेके आ गए थे, लेकिन घर पे आके हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि लेट हो जाता और हमें पूजा करनी थी। वैसे तो हम आज जल्दी तैयार हो गए थे, सारा काम जल्दी हो गया था, लेकिन सामान लेने में लेट हो गया और फिर वहां पे बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने सिस्टम तभी स्टार्ट किया था ना, इस वजह से फिर बिल विल नहीं निकल रहा था, तो आधा घंटा वहां पे लग गया हमें एक्स्ट्रा। तो आके हमने जय जय वो पूजा कर ली, तो आप भी जय जय कर लो। एंड हम सुपरमार्केट से इतना सारा सामान लेके आपको दिखाया, लेकिन लास्ट में हमने एक और चीज ली वो आपको दिखा नहीं पाए, भूल गए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम सुपरमार्केट जाए तो कुछ खाने का ना लेके आए। तो 5 के पैक वाला वही वही नूडल्स का वेज में लेके आए और एक नॉन वेज में लेके आए भेल बनाने के लिए। एंड अभी हम खाना खाएंगे और खाने में पता नहीं क्या बनाए, देखते तो जब काकू खाना लेके आएगा तब आपको बताएंगे। ओके काकू। ओके हमारा खाना आ चुका है, ये रही मोटू की दही, ये रहा रायता, ये शलगम की सब्जी बनी है शायद, और इसमें लाल वाली चटनी और साथ में रोटी, और ये रहा मोटू जो दवाई ले रहा है, और ये रहा मैं जो खाने का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से खाना खाऊंगा। यार खाना खाने के बाद ना मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और काकू का पता नहीं एकदम से क्या बन गया, वो किचन में गया और कुछ बनाने लग गया। आप मतलब इमेजिन करो ना, तो वो चाय बना रहा ना कॉफी बना रहा ना और कुछ, उसको पता नहीं एकदम से क्या मन किया वो चना व्रत बना रहा है विदाउट एनी रीजन, बिना किसी उसके पूजा वूजा के, बस उसको खाने का मन किया तो चना व्रत बन रहा है। देखो ये दूध है, वो दही है, हमने डाल दिए 2-3 दाने 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 मतलब यार केसर तो बहुत टेस्टलेस होता है काकू, मैंने एक दिन खा लिया था, इसकी तो सिर्फ खुशबू और कलर ही सही लगता है। इसमें क्या डालेगा, हनी भी तो डलता है नीचे से, वो हनी भी ले आए। उतरी ऐसी की तैसी, क्या क्या गिरा दिया, और रे तो सारा केसर गिरा दिया। तो काकू हनी भी ले आया और ये कार्डमम तो हमारे पास था ही, इलायची पाउडर लेके आए थे, बाकी ड्राई फ्रूट थोड़े डलते हैं, ये सारा सामान है। वैसे आपका क्या मन किया एकदम से बनाने का, बता तो दो। बस ऐसे ही मन कर गया एकदम से, मतलब कुछ टीवी मतलब में देखा हो या कुछ देखा, टीवी के अंदर भजन वगैरह चला रखे थे मम्मी ने, तो भजन से मेरे को एकदम से वाइब आ गई। गाइस कमेंट्स करके बताना आपको चरना व्रत कैसा लगता है, वैसे तो अच्छा ही लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता होगा, बट कमेंट्स करके बताना। चरना व्रत बन के रेडी हो गया और काकू ने सोचा कि चरना व्रत बना ही रहे तो भगवान जी को भी मैं मतलब प्रसाद वो चढ़ा ही देता हूँ, तो काकू ने वो कर दिया। अब मम्मी पापा को भी दिया, नीचे पापा तो है नहीं, मम्मी को दिया, किसी को दिया, फिर हम भी ले लेते हैं।
थैंक यू। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, सच्ची में अच्छा बहुत है। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं भी देखता बताना कैसा है, कैसा है, मस्त है ना? मैंने बोला था गाइस, दिन के ना 2:30 बज रहे हैं। और मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, काको मेरे साथ क्या कर रहा है। ये नौटंकी कुछ कर रहा है यार मेरे साथ, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, रुको। ये कुछ तिगड़म कर रहा है मेरे साथ, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये काम रहने की कोशिश कर रहा मान है लो वीडियो खराब हो जाएगी, पर देख लूंगा अगर मान लो 2-3 दिन में डली। गाइस, ये देखो धमकी दे रहा है मेरे को। ये ना मेरे को ना खुद को बेचारा बना के मेरे को बोल रहा है, कैमरा ला के बारी बारी गुस्सा करो, ऐसे मुंह बनाओ गंदे गंदे, गुस्से वाले गुस्से वाले। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं वही एक्ट कर रही हूँ और ये कह रहा है खाना बनाते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस, ये क्या करने वाला है। मेरे को लग रहा है कोई वीडियो बनाने वाला है। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए स्क्रिप्ट सोच रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो के लिए स्क्रिप्ट सोच रहे हो, तो मेरा नेगेटिव रोल क्यों दे रहे हो स्क्रिप्ट में? अभी भी मेरे से गुस्सा करवाया था न्यूटेला खाते हुए। ये देखो क्या कर रहा है। बना बाबू बना, मेरे को विलन बना के देखता हूँ क्या वीडियो हो रहेगा। बना तू बना। फाइनली इतनी देर की मेहनत के बाद हमारे नूडल्स बन के रेडी है। और मैंने इसको दूसरे बर्तन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये गंदा हो जाता दूसरा बर्तन भी, और इसमें खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यार शाम के बज रहे 4:15 और हम अच्छी खासी वॉइस ओवर कर रहे थे, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपनी वीडियो में मिक्स किचन के लिए। और कीशु इतने में वड़ा पाव लाया और काकू को कुछ नहीं पड़ी कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ ऐसा करना है। ये वड़ा पाव खाने लग गया, ठंडे दे मेरे को नहीं खाना। जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना, उसके बीच में कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, तो पहले जो किया है वो और बाद में करते हैं, उसकी वॉइस थोड़ी चेंज हो जाती है। मैं इसको कह रही हूँ मान जाओ एक बारी खा लेते हैं, जबकि अभी हमने नूडल्स खाए हैं। मान जाओ अभी काम कर लेते हैं पहले, जबकि अभी हमने नूडल्स खाए हैं, लेकिन ये खाने में बिजी है। देख लो ये इसलिए वीडियो नहीं आती हमारे चैनल पे, क्योंकि इससे खाने में नहीं रुका जाता, ये रीजन है। इतना कहने के बाद जबकि इसको पता है व्लॉग में डल जाएगा, ये फिर भी नहीं रुक रहा। मेरा तो खत्म हो गया, आप कर रहे हैं। मेरे को खाने भी नहीं है, मैंने मंगाया भी नहीं है, ये आपको खाने है, आप खाओ, आपने मंगाया। गाइज आज पूरे दिन से बैठ के मोटू और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहे थे, मोटू एडिटिंग कर रहा था और अब दूसरी वीडियो की एडिटिंग कर रहा है। और उससे पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी, तो वो वीडियो भी हम एडिट करेंगे और आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छी वीडियो है। जिसमें ये मेरे को धोखा दे रहा था, काकू मेरी इमेज खराब कर रहा था, वो वाली वीडियो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखना ना तब पता सारा चलेगा। सस्पेंस खराब कर रहे हो। और मैं मोटू के लिए दही लेके आ गया हूँ, मोटू दिन में तीसरी बार दही खा रहा है, मोटू 3 टाइम दही खाता है। सेकंड टाइम सुबह खाने के साथ खाई थी, उसके बाद थोड़ी खाई। अच्छा हाँ, तो आप खाओ आप खाओ ये। और हमारे साइड वाली छत में जो बच्चे हैं वो बॉल से खेल रहे थे, तो उनकी बॉल ये गिर गई और वो बेचारे यहाँ पे लेने नहीं आ रहे, तो चलो मैं जल्दी से उनको ये बॉल भी दे के आता हूँ। शाम को हम कुछ खाने जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड हो जाएगा। ये काकू ना मेरे को सुनाना चाह रहे हैं कि शाम के टाइम और कुछ मिलते हैं खाने आपसे जाना है। थोड़ी देर हाँ, बाद। ये मेरे को सुनाना चाह रहे हैं। रात के मतलब शाम के 7:20 हो रहे हैं और हमने नेक्स्ट किचन के लिए एक वीडियो एडिट कर दी है, वो अपलोड हो गई है। नेक्स्ट डे की भी एडिट कर दी है, बस लास्ट की एक लाइन रहती है काकू को बोलनी है और वो बोल ही नहीं पा रहे। मुंह से अजीब अजीब से मतलब टंग ट्विस्टर टाइप होता है ना, ऐसे टंग को गुलगुला ऐसे हो रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहे। भाई कोकी थी जो वफादार निकली, वो बोलना भाई कोकी थी बोलो भाई कोकी थी जो वफादार निकली, इसमें बोलो ना ढंग से, अभी तो आप बोलो ना जैसे वीडियो भाई में। भाई कोकी थी जो वफादार निकली, क्या होगा गला जो है आपका चुभने वाली आवाज है, वो नहीं दिखी आपको? चलो दोबारा करो, जल्दी से आप करो। भी चुभ रहे हो मेरे को मेरी उल्टी सीधी वीडियो बना के। बिहाइंड द सीन्स आप वीडियो के तो देखते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग के भी देख लो भाई। बस एक ही कोक ही थी जिसने हमें ये हो रहा है। गाइस शाम के बज रहे हैं, मतलब रात ही हो गई है, शाम बोलते रात बोलते हैं, 8:10 बजे है और वो वॉइस ओवर काकू से हो ही नहीं पाया। बहुत फनी मोमेंट हो गया था लास्ट में, वो वाला मैंने कर दिया, बाकी काकू ने कर दिया सारा काम। एंड
वैसे तो अभी हमें पोस्ट एडिटिंग करनी थी, लेकिन करीबी थोड़ी सी, पर काकू ने बोला कि चलते हैं बाहर। और फिर मेरा भी मन किया क्योंकि पूरे टाइम काम काम में लगे थे सुबह से, तो थोड़ा फ्रेश एयर लेनी भी जरूरी है। मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, मेरी जो तबीयत खराब चल रही है। एंड अभी हम जा रहे हैं बाहर गोलगप्पे खाने, होपफुली ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि इस टाइम जब हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। आपने कल परसों के ब्लॉग में भी देखा होगा। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, ऑल सेट। काकू गया बाथरूम में मुंह हाथ धो के, बस अभी आ रहा है। फिर हम जाएंगे गोलगप्पे खाने बाहर की बाहर, मैं घर चली जाऊंगी और हम बाहर ही ब्लॉग को एंड कर देंगे। बस यही बताना था। चलो जा रही हूँ मैं। यार जाम नहीं मिला तो हम ना जल्दी से आगे गोलगप्पे वाले अंकल पे, अब यहाँ पे खाते हैं और फिर घर जाते हैं। दोनों एक साथ गोलगप्पे खाते ना, वीडियो ही नहीं बना पाते। कैसे थे? बढ़िया, अमेजिंग, टेस्टी थे ना? पियो पियो पियो, यम्मी। मोस्ट फेवरेट पार्ट गोलगप्पे खाने के बाद दो मीठी पापड़ी दे देना। दो मीठी पापड़ी कब आएगी? जल्दी जल्दी, एक तेरी एक मेरी। मस्त है ना? हमारा ना फिक्स है, जब हम मोमोज रोल और ये सब नहीं खाते ना, तो शाम को आके हम ना गोलगप्पे खा लेते हैं एक प्लेट, एक से ज्यादा नहीं, कभी कभी होता है बट एक प्लेट, और उसके बाद फिर आइसक्रीम खाते हैं। तब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। पर ना बहुत सारे पार्क हैं, और ना सर्दी के टाइम में ना पार्क वाले रोड पे घूमना, ठंडी ठंडी हवा, और जो पेड़ की खुशबू आती है ना वो बड़ी बढ़िया लगती है। आपको भी आती है तो कमेंट करके बताना। गाइस, हियर इज आवर आइसक्रीम, और यही फ्लेवर हम खाते हैं हर बारी। लास्ट टाइम इस काकू ने लिया था, वो दवाई जैसा लग रहा था ना, बट ये वाला फ्लेवर लगता है हमें बढ़िया। आपका आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर फेवरेट है कमेंट्स करके बताना। ईट एक सेकंड, मास्क को डाल दो, बाल सेट कर, नखरे नहीं खत्म, देखो बैक देखो। दिखा दो जाके। बैग कितने का लिया? आपका बैग बहुत अच्छा है। अच्छा, इंपोर्ट कर। मजा आ गया आइसक्रीम खा के। अब इसके बाद डायरेक्टली हम घर जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। आज तो ना आपके टंग के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी और यहाँ पे भी। आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय। तीनों बार आइसक्रीम खाई तो हमारा एक और आइसक्रीम खाने का मन कर गया, ब्लॉग एंड करने के बाद भी। तो ये खा के फिर घर जाएंगे। बोल दो बोल दो। चोको ब्राउनी आइसक्रीम। कैसी अच्छी है। हाँ? हाँ?